भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश युवा कांग्रेस की भूमिका और झारखंड में यूथ कांग्रेस की मजबूती को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में यूथ कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश के नेता, साथ ही झारखंड प्रभारी दीनबंधु शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में झारखंड प्रदेश के यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, साथ ही कैसे प्रदेश में यूथ कांग्रेस को मजबूत किया जाए पर विचार किया गया। देखिए, प्रत्येक महीना हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी करके प्रत्येक जिला में विधानसभा प्रखंड में क्या कार्यक्रम काम हुआ है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जिला के पदाधिकारी से क्या समन्वय बनाए, उसको लेके हम एक समीक्षा बैठक करते हैं। अभी देश के अंदर में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा, तो पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला में प्रखंड में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं, चूँकि अभी नगर प्रखंड का पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है और उससे जो साथी जीत के निकले हैं या सेकेंड हुए थर्ड हुए, उन साथियों को हम जोड़ रहे हैं यूथ को, और बूथ पर उन साथियों के साथ जाके बूथ को मजबूत कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। जो महंगाई है उसको लेकर, बेरोजगारी है उसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और केंद्र सरकार चूँकि इस पर विफल साबित हुई है, तो चूँकि राज्य में राज्य का सरकार कांग्रेस समर्थित सरकार है, तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। हम मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो रिक्त स्थान है उसको भरा जाए। साथ ही हम तमाम यूथ कांग्रेस के साथी, जो अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें ऑन स्पॉट फैसला हो रहा है, तो हम लोग आम लोगों का जो समस्या है उसको लेके सरकार से कैसे उसका समाधान हो, उसको लेके युवा कांग्रेस पुल बनने का काम कर रही है और क्षेत्र में उन लोगों का काम कराने का प्रयास कर, इन तमाम चीज़ों को लेके आज की बैठक यहाँ पर रखी गई। झारखंड यूथ कांग्रेस के कई साथी उस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, और झारखंड में भी वो जो साथी वहाँ नहीं जा पाए अपने अपने जिला में प्रखंड में स्तर पे, वो यात्रा लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस यात्रा का जो मूल मकसद है कि देश के अंदर से नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर कैसे हम मजबूती से बात रखें, ऐसे कौन से योजनाएँ आए जिससे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयास तो मजबूत करने का ही है और किया भी जा रहा है, और यात्रा निकालने का नहीं, यात्रा ऑलरेडी चल रहा है, निकला हुआ है, सभी जगह हम लोग जिला वाइज घूम भी रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं, जो बेरोजगारी नीति है, जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो निश्चित तौर से लोग आशा भरी निगाह से कांग्रेस युद्ध कांग्रेस के साथियों की ओर देख रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और हम मजबूत और सशक्त होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।